जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का नाम अध्यक्ष बनने की रेस में फिलहाल आगे चल रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अपने नाम की किसी भी तरह की चर्चा की अटकलों से इनकार कर रहे हैं। वहीं अब से कुछ ही देर पहले जेडीयू की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मेडिकल शिक्षा में ओबीसी को 27% और अग्रणी जातियों को 10% आरक्षण देने के फैसले का स्वागत हुआ। और इस बीच एक अपडेट आपको दे दें, जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे इस बैठक में कुछ नारे भी बुलंद किए गए। कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू अध्यक्ष पर फैसला संभव है, लेकिन जब नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी गई। 2024 का पीएम नीतीश जैसा हो, इस तरीके के नारे बुलंद होने लगे। जो उत्साही कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड को वहां पर मौजूद थे, वो नीतीश कुमार को लेकर इस तरह के नारे लगाने लगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। इस बीच प्रशांत, सबसे पहले तो जो नारेबाजी हुई उसी को लेकर मेरा सवाल है, क्या इसे माना जाए कि सिर्फ ये कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं का उत्साह है या फिर पर्दे के पीछे कुछ कहानी भी नजर आ रही है? नहीं नहीं अखिलेश, आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जेडीयू की, और उनके सबसे बड़े नेता, सबसे जो बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार, वो यहाँ पहुंचे, तो जाहिर तौर पे जो उत्साही कार्यकर्ता होते हैं वो तरह तरह के नारे लगाते हैं। जो अभी जो केंद्र की राजनीति है, जहाँ जिसमें एनडीए में जेडीयू है, वहाँ आप समझ सकते हैं कि फिलहाल इस तरह का कोई स्थान रिक्त नहीं है। नीतीश कुमार पहुँचे, काफ़ी भीड़ थी, सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे, सारे नेता यहाँ पहुँचे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि आज चूंकि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए हैं, लिहाजा एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है उसके तहत आरसीपी सिंह आज रिजाइन करेंगे, और रिजाइन करने के बाद जाहिर है तब फिर पार्टी का कोई नया अध्यक्ष बनेगा, तो उस पर आज कोई मुहर लग सकती है। हालांकि कई तरह के कयास अखिलेश यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पहला ये कि ललन सिंह अध्यक्ष बन सकते हैं, दूसरा ये कि एक अध्यक्ष बने, दूसरा एक कार्यकारी अध्यक्ष बने, वैसी सूरत में ललन सिंह के अलावा किसी और को भी बनाया जा सकता है। अति पिछड़ा की राजनीति नीतीश कुमार पहले से करते आए हैं, तो रामनाथ ठाकुर का नाम उसमें आ रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको बनाया जाएगा। उसके अलावा ये भी एक यहाँ पर कयास लग रहे हैं कि चूंकि आज की जो बैठक है वो जिन मुद्दों पर बुलाई गई है वो मुद्दे कहीं पीछे न रह जाएं, गौण न हो जाएं, लिहाजा आज नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं किया जाए, तो हर तरह के कयास और अटकलें लग रही हैं। लेकिन अभी जो ललन सिंह हैं उनका नाम अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, सबसे प्रबल दावेदार वो माने जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम चल रहा है, उसके अलावा रामनाथ ठाकुर का भी नाम चल रहा है। और हमारे साथ जुड़े रहे हैं। दरअसल जिन दो चेहरों के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, जेडीयू का अध्यक्ष अगला कौन होगा, उसमें एक उपेंद्र कुशवाहा का नाम है। एबीपी न्यूज ने उपेंद्र कुशवाहा से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में ये चर्चा है कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं जेडीयू के। कुशवाहा जी, क्या आप भी रेस में हैं? नहीं नहीं, हम कोई रेस में नहीं हैं। चर्चा भी आप लोग करते हैं, मीडिया के बंधु करते हैं, इसलिए उस तरह की चर्चा का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए उस पर क्या बात की जा सके। लेकिन आरसीपी सिंह चूंकि केंद्रीय मंत्री बन गए हैं तो वो हटेंगे, तो कोई तो नया बनेगा, वो आज फैसला हो जाएगा उस पर? नहीं नहीं, देखिए अब क्या कुछ होना है मीटिंग में, अब थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए ना, उसमें क्या लगता है, कुछ ही घंटों का मामला है, तो उसमें आपके सामने सारी बातें आ जाएंगी। वैसे एजेंडा क्या रहेगा आज की बैठक में, मुख्य तौर पर किन चीज़ों पर बात होगी? देखिए, किसी भी बैठक में कुछ एजेंडा घोषित होता है, कुछ एजेंडा उस समय भी आता है, किसी भी बैठक के लिए, न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बाकी जगह भी। तो जो घोषित एजेंडा है उसके हिसाब से विभिन्न राज्यों में जो चुनाव होना है,
पार्टी के संगठन का विस्तार है, सदस्यता इत्यादि है, तो इन मुद्दों पर विचार होना है। इसके अतिरिक्त मुद्दे भी आएंगे तो उस पर विमर्श होगा। अतिरिक्त मुद्दे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं, अतिरिक्त मुद्दा में कौन कौन मुद्दा आता है वो तो उस समय ही बात करने के बाद बात की जा सकती है। आखिरकार क्या जातीय जनगणना चूंकि का मुद्दा आप लोगों के लिए बड़ा है, क्या उस पर भी आज कोई रिजोल्यूशन आएगा, कुछ बातें रखी? निश्चित रूप से जातीय जनगणना होनी ही चाहिए, जातीय जनगणना आवश्यक है। न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का यह डिमांड है बल्कि कई अवसरों पे देश की बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं ने कहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है कि उपेंद्र कुशवाहा को आप सुन रहे थे। दरअसल जेडीयू में जो अलग अलग पद हैं, बड़े पद हैं, पार्टी से आखिर किसका प्रतिनिधित्व है वो हम आपको बताते हैं। इसी से जुड़ा हमारा चूंकि अगला जो सवाल है वो भी होगा, आप समझिए जरा इस चीज को। जेडीयू का जो लव कुश समीकरण है आपके सामने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हैं, उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में अब ललन सिंह के नाम को कयास लगाया जा रहा है। और इससे जुड़ा ही सवाल प्रशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ, क्या अब ये कोशिश जेडीयू की तरफ से की जाएगी, चूंकि एक जाति विशेष के लोग ही तमाम पदों पर काबिज हैं, तो सवर्णों को साधा जाए ललन सिंह के जरिए? देखिए अखिलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ ललन सिंह को लेकर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात न करें, जब कैबिनेट में विस्तार हो रहा था उस समय ये माना जाता था कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह ये दोनों प्रमुख दावेदार हैं केंद्र में मंत्री बनने के लिए। और पिछली बार जब 2019 में मोदी सरकार आई थी तब जब मंत्रिमंडल बना था उस वक्त भी ये कयास लग रहे थे, लेकिन चूंकि आरसीपी सिंह और ललन सिंह में किसको बनाया जाए मंत्री ये तय नहीं हो पाया तो जेडीयू शामिल ही नहीं हुई थी मंत्रिमंडल। इस बार चूंकि आरसीपी सिंह मंत्री बन गए हैं तो ये कयास लग रहे थे कि चूंकि ललन सिंह काफ़ी करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, कई सालों से उनके साथ हैं, तो नीतीश कुमार को उन पर भरोसा है, तो कुछ ना कुछ ललन सिंह के लिए नीतीश कुमार जरूर करेंगे, पार्टी में कोई पद देंगे। तो अब जबकि आरसीपी सिंह मंत्री बन गए हैं लिहाजा ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया जाए, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, जिस सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं आप अखिलेश, उसमें जो चारों नाम लिए, चारों पद बल्कि मैं कहूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, अभी जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो सब या तो लव कुश जो आपने कहा समीकरण, कुर्मी या कोयरी जाति से आते हैं। तो अब जरूर कोशिश ये हो सकती है कि एक अगड़ी जाति को एक पद दिया जाए और उससे दो निशाने साधे जाएं, एक तो अगड़ी जाति का एक प्रेसिडेंट बना ये बता सकती है पार्टी। दूसरी चीज, ललन सिंह की जो शिकायतें हैं या ललन सिंह को कुछ अगर नाराजगी होगी क्योंकि आरसीपी सिंह मंत्री बने, तो उसको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा यहां कयास कई लग रहे हैं अखिलेश, और कुछ एक घंटे का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, क्योंकि अंतिम फैसला मान लीजिए नीतीश कुमार को लेना। थोड़ी देर में एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।